होलकर होलकर स्पिन फ्रेंडली बोलकर विकेट गिरा ले गया। जी हाँ, भारत वाले आजकल यही गाना गा रहे होंगे। होलकर स्टेडियम के पिच ने इंडियन बल्लेबाजों के साथ ऐसा खेल किया है कि वो बेचारे नियम कायदे सब भूल चुके हैं और इस खेल में फंसकर तीसरे दिन ही मैच सरेंडर करते दिख रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये सारा हुआ पिच का ही बनाया हुआ है या हमारी टीम ने खुद पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, आइए देखते हैं। नमस्ते, मैं गरिमा हूँ और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। पहली सुर्खी, आखिरकार विमेंस प्रीमियर लीग WPL को अपनी पांचों कप्तान मिल गई हैं। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइज ने ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग को कप्तान चुना है। लेनिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता है। लेनिंग के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 132 T20 मुकाबलों में 3,405 रन बनाए हैं। उन्होंने 100 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की है। लेनिंग वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाली कप्तान भी है। दूसरी सुर्खी, फजा में जारी 14वीं पैरा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 7 मेडल जीत लिए हैं। देश के एथलीट्स ने इस आयोजन में 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सिल्वर मेडल जीतने वालों की बात करें तो 100 मीटर T47 में हर्षा मोहन उयाला, 1500 और 5000 में बलवंत सिंह रावत, वहीं जेवलिन में रवि कुमार ने मेडल जीता, वहीं डिस्कस थ्रो में एकता भयान और प्रवीण कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है। प्रवीण एक मेडल जेवलिन थ्रो में भी लेकर आए हैं। तीसरी सुर्खी, दूसरे इंडियन ओपन जंप कंपटीशन में केरल की श्रुति लक्ष्मी एल ने विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट में 6.11 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। श्रुति लक्ष्मी के अलावा ओडिशा से आने वाली मनीषा मेरेल ने 5.96 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता है। चौथी सुर्खी, साउथ अफ्रीका की सेंचुरियन में मेजबान टीम और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने एक रिकॉर्ड बनाया है। इस टेस्ट में उन्होंने कुल 3 विकेट लेने के साथ 18 रन भी बनाए और इसके साथ ही वो एक बड़ी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। जेसन होल्डर दिग्गज सर गारफील्ड सोबर्स के बाद दूसरे कैरिबियाई क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2500 रन और 150 विकेट चटकाए हैं। अब नंबर है दिन की बड़ी खबर का। क्रिकेट के होलकर क्रिकेट मैदान के विकेट पर पूरी दुनिया के साथ हमारे घर में भी बहस है। बहस होगी भी, क्योंकि जब आप घरेलू टेस्ट में अपने हिसाब से विकेट बनवाए और उसमें खुद ही फंस जाए तो फिर मुश्किलें तो खड़ी होनी ही है। भारतीय टीम के साथ ऐसा ही होता ही दिख रहा है। वॉडे गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन की खेल की समाप्ति पर भारत की दूसरी पारी 163 रन पर सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच जीतने के लिए महज 76 रन का लक्ष्य रखा गया है। मैच की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने सीरीज में पहली बार टॉस जीता और बैटिंग का फैसला ले लिया। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहां ही सोचा होगा कि जिस विकेट को ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने के लिए बनवाया गया है उसमें ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों को ही फंसा लेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ खराब पिच की वजह से टीम इंडिया का ऐसा हाल हुआ है या फिर कुछ और वजह भी है, आइए बताते हैं। 1.5 सेशन में लुटाए रन। 1 मार्च को खेले गए पहले दिन के खेल में कुल रन्स बने 265, जिसमें बनाने में विकेट्स गिरे 14। भारत ने पहले दिन 10 विकेट खोकर 109 रन बनाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 156 रन बनाए। जहां भारतीय बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए पहले दिन मशक्कत करनी पड़ रही थी, वहीं ऑस्ट्रेलियंस ने लंच के बाद आसानी से रन्स लिए। पहले दिन जब टी ब्रेक हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 71 रन बना लिए थे। इसके बाद पोस्टी यानी दिन के आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट्स गवाए, लेकिन उनके रन्स की गाड़ी चलती रही। जब दिन का खेल खत्म हुआ तो मेहमान टीम 54 ओवर में 156 रन तक पहुंच गई थी। इस सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने 2.9 के रन रेट से रन्स दिए, वो भी एक ऐसी विकेट पर जहां भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक एक रन मुश्किल से बन रहा था। अगर आपके स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 109 रन हो तो विकेट भले ही ना मिले लेकिन रन जरूर रुकने चाहिए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ना तो विकेट्स निकाले और ना ही रन्स रोके। पुजारा को छोड़ बैटिंग फ्लॉप। नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट में ऊपर रोहित शर्मा जबकि नीचे रविंद्र जडेजा और श्रीकर भरत ने टीम इंडिया को बचाया था। दिल्ली में भी 8वें नंबर पर अक्षर ना होते तो पहली पारी में हम बड़े अंतर से पिछड़ जाते, लेकिन इंदौर का क्या करें, यहां तो आपका निचला क्रम नहीं चला तो पूरी पोल ही खुल गई। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए हम सिर्फ 109 रन ही बना सके। माना कि विकेट खराब था, लेकिन इस खराब विकेट पर हमारे बल्लेबाजों ने भी तो खराब शॉट्स खेलकर अपने विकेट्स गवाए। शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रीकर भरत को शुरुआत मिली, लेकिन लूज शॉट खेलते हुए ये सभी वापस लौट गए, जबकि रोहित, जड्डू, श्रेयस तो कुछ समझने से पहले ही अपना विकेट दे गए। दूसरी पारी में तो हाल बद से बदतर रहा।
पुजारा ना होते तो ऑस्ट्रेलिया के सामने दूसरी पारी में 75 रन का लक्ष्य 16 का ही होता, क्योंकि बढ़त के 75 में से 59 रन तो पुज्जी भैया के ही है। दूसरी पारी में रोहित, शुभमन, जड्डू, विराट कोई नहीं चला और टीम इंडिया महज 163 रन पर ढेर हो गई। भारत से बेहतर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स, इस हार की तीसरी वजह यही है। तीसरे दिन का खेल अभी बाकी है, लेकिन अगर पहले दो दिन के खेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने इस विकेट पर भारतीय स्पिनर्स से बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने भारत के 10 में से 9 विकेट चटकाए, बाकी का बचा एक विकेट रनआउट के रूप में आया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 10 में से 7 विकेट भारतीय स्पिनर्स के खाते में आए, 3 विकेट उमेश यादव ने चटकाए। दूसरी पारी देखें तो भारत की दूसरी पारी के 10 में से 8 विकेट्स तो अकेले नेथन लायन ने लिए, एक विकेट स्पिनर मैथ्यू कुनमैन ने लिया, वहीं एक विकेट पेसर मिचेल स्टार्क के खाते में गया। लायन के 8 विकेट लेने की एक वजह उनकी लेंथ भी है। लायन ने दूसरी पारी में दाहिने हाथ के साथ भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया, इनमें से 5 को उन्होंने गुड लेंथ और 2 को फुल लेंथ पर आउट किया है। इसके अलावा रन लुटाने और एक्स्ट्रा देने के मामले में भी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भारत से बेहतर रहे। पहली पारी में भारत को 109 रन पर समेटते हुए ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने एक भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया। वाइड और नो तो छोड़िए, उन्होंने बाई और लेग बाई के भी रन नहीं दिए, जबकि दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने एक भी वाइड या नो बॉल नहीं फेंकी। अब आपको भारतीय गेंदबाजों के आंकड़े बता देते हैं। हमारे गेंदबाजों ने पहली पारी में कुल 22 एक्स्ट्राज दिए, जिनमें 5 गेंदें तो नो बॉल रही। भारत को ये नो बॉल और भी ज्यादा इसलिए चुभी क्योंकि इसमें से एक पर मानस लाबुशेन को बिना खाता खोले जीवन दान मिल गया। पारी के चौथे ओवर में लाबुशेन को जडेजा ने बोल्ड किया, लेकिन गेंद नो बॉल होने के चलते वो खेलते रहे और अहम 31 रन बनाकर वापस लौटे। भारतीय टीम ने इस मैच में वही गलतियां दोहराई हैं जो पिछले कई मुकाबलों से देखने को मिल रही हैं, बात चाहे एक्स्ट्राज और नो बॉल की करे और फिर हमारे टॉप ऑर्डर के लगातार फ्लॉप होने की। सिर्फ स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बना देने से या निचले क्रम के 2 या 3 बल्लेबाजों की बैटिंग से टेस्ट मैच नहीं जीते जाते, टेस्ट जीते जाते हैं 11 खिलाड़ियों के टीम वर्क के साथ। आज के शो में बस इतना ही। इस शो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।